बॉलीवुड इंडस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा कलाकार रहा होगा जिसने अपनी उम्र की परवाह किए बिना काफी कम उम्र में काफी बड़े किरदार अदा किए हैं, और उन्हीं में से अपना नाम शुमार करवाते हैं सुपरस्टार संजीव कुमार, जिन्होंने 70 के दशक में ना जाने कितनी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया और अपने तरह तरह के यादगार किरदारों से फिल्म को सुपरहिट बनाया। तभी तो इन्हें सुपरस्टार कहा जाता है, जिनके लाखों करोड़ों की संख्या में फैंस तो रहे ही, साथ ही बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सितारे भी इनके कर्जदार रहे हैं। यहाँ सही सुन रहे हैं आप, इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार रहे हैं जिनकी कभी पर्सनल तो कभी प्रोफेशनल लाइफ सुधारने में संजीव कुमार ने अहम भूमिका निभाई, और इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हैं जो इनके कर्जदार रहे हैं। और आज हम आपको ऐसे ही कुछ यादगार किस्सों के बारे में बताएंगे आपको संजीव कुमार ने कैसे कई बॉलीवुड सितारों को अपना कर्जदार बनाया है। तो बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं संजीव कुमार ने किस तरह बॉलीवुड सितारों की मदद की। 9 जुलाई 1938 को सूरत में रहने वाले जेठालाल जरीवाला और जावेद बेन के गुजराती ब्राह्मण परिवार में संजीव कुमार का जन्म हुआ। इनका असली नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था, जिन्होंने अपने शुरुआती फिल्मी किरदारों की वजह से अपना ये नाम बदलकर संजीव रख लिया था, और दिलीप कुमार के फैन होने की वजह से इन्होंने उनका कुमार सरनेम अपने नाम के पीछे लगाना शुरू कर दिया था। ये 4 भाई बहनों में से एक थे और ये जब काफी छोटे थे तभी मुंबई चले आए थे, जहां आकर संजीव कुमार ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक मंच अभिनेता के रूप में की, जहां इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों से ही कलाकार अपनी उम्र से बड़े किरदारों को निभाने से डरते आए हैं, वहीं एक मंच अभिनेता के रूप में संजीव कुमार कई भूमिकाएं अदा करते। संजीव उम्रदार भूमिकाएं निभाने का शौक रखा करते थे, जिन्होंने डमरू में 6 बच्चों के साथ 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की भूमिका निभाकर सभी को हैरान कर दिया था। इसी के साथ इन्होंने साल 1960 में हम हिंदुस्तानी फिल्म में एक छोटी भूमिका के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, और नायक के रूप में उनकी पहली फिल्म साल 1965 में आई निशान थी। उसी साल इन्होंने सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ संघर्ष फिल्म में भी काम किया था। इस तरह से इन्होंने गुजराती और हिंदी फिल्मों के साथ साथ मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और सिंधु जैसी कई भाषाओं में फिल्मों में दर्शकों का दिल जीता। इन फिल्मों में शोले, त्रिशूल, पति पत्नी और वो, और सीता और गीता जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में शामिल रही। बता दें, संजीव कुमार अक्सर फिल्म सेट पे देर से पहुंचते थे, पर फिर भी फिल्म मेकर को इनसे कोई शिकायत नहीं रहती थी, क्योंकि ये अपने हर एक सीन को एक शॉट में ही कंप्लीट कर दिया करते। पर अफसोस, जिस तरह से फिल्मों में ये कभी अपना घर नहीं बसा पाए और ना ही घर खरीद पाए, उसी तरह असल जिंदगी में इनकी पर्सनल लाइफ ऐसी ही रही। ऐसा नहीं था कि शादी के लिए इनके पास कोई लड़की नहीं थी या फिर इनके पास पैसा नहीं था। ये घर परिवार की कीमत जानते थे, जिसकी वजह से इन्होंने कई दूसरे कलाकारों के घर भी टूटने से बचाए थे। जी हाँ, सुमन बत्रा और हनीफ जावेरी द्वारा लिखी गई किताब में जिक्र किया गया है कि जब अमिताभ और उनकी पत्नी जया बच्चन के बीच झगड़े चल रहे थे और रिश्ते टूटने तक बात पहुंच चुकी थी, तब संजीव कुमार ने उनके रिश्ते जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाई थी। जहां जया बच्चन तो इन्हें अपना भाई मानती थी, यही नहीं बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी पत्नी के रिश्तों को भी संजीव कुमार ने टूटने से बचाया था। तभी से ही शत्रुघ्न सिन्हा संजीव कुमार को अपना सच्चा दोस्त मानने लगे, जिनके दोस्ती संजीव कुमार की आखिरी सांस तक चली। इसी की वजह से आज अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े बड़े सितारे अपनी सक्सेसफुल पर्सनल लाइफ की वजह से खुद को इनका कर्जदार बताते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बात का जिक्र तक कर डाला है कि संजीव कुमार उनके कितने अच्छे दोस्त रहे हैं और इन पर उनका क्या कर्ज रहा है। जहां गुलजार ने भी अपने द्वारा लिखी गई किताब पर शत्रुघ्न सिन्हा और संजीव कुमार की दोस्ती का जिक्र किया, और ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि जब शत्रुघ्न सिन्हा अपने डूबते करियर की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, तो वो पाई पाई के लिए मोहताज हो गए थे और नौबत घर बेचने तक की आ चुकी थी। इसका खुलासा इन्होंने खुद अपनी बायोग्राफी खामोश में किया, जहां बताया गया कि इन्हें 80 के दशक में 80 लाख रुपए की जरूरत थी और इसी वजह से घर बेचने तक को मजबूर हो गए थे। पर उनकी पत्नी ने ऐसा नहीं होने दिया और इनके दोस्त संजीव कुमार ने भी, जिन्होंने इनकी आर्थिक मदद की और इनके घर को बेचने से बचा लिया, जिनका ये कर्जा शत्रुघ्न आज भी नहीं चुका पाए। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने पैसे की मदद के लिए सुभाष खई के आगे भी हाथ फैलाए थे, पर उन्होंने ब्याज की बात कर डाली, जिसकी वजह से इनके सच्चे दोस्त रहे संजीव कुमार ने इनकी मदद की,
शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी किताब के जरिए बताया कि कैसे संजीव कुमार ने उनकी मदद की थी। शत्रु बताते हैं, मेरे फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड संजीव कुमार जो इस दुनिया में नहीं है, मुझे परेशान देखा और पूछा क्या दिक्कत है। मैंने उन्हें अपनी दिक्कत बताई, उन्होंने पूछा तक नहीं कि कब तक पैसे लौटा पाओगे। मैंने उनको सीधे बता दिया कि मुझे नहीं पता मैं ऐसा कर पाने की स्थिति में कब तक होऊंगा। अगली सुबह उनके सेक्रेटरी जमुना दास जी बिना बताए मेरे घर आ पहुंचे। मेरे स्टाफ को नहीं पता था कि वो आ रहे हैं, ना ही मुझे पता था। जमुना दास जी न्यूज़पेपर में लपेट कर कुछ लाए और बोले, भाई ने आपके लिए वीडियो कैसेट भेजा है। पेपर में वीडियो कैसेट तो नहीं था, पर उतनी रकम थी जितनी मुझे जरूरत थी। संजीव ने सीधे मुझे बिना बताए ही पैसे भेज दिए। जब मैंने पूछा वो कितना ब्याज लेंगे, उन्होंने जवाब दिया, दोस्तों के बीच कैसा ब्याज। इन सब से पता चलता है संजीव कुमार ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अपनी दोस्ती को कितनी अच्छी तरह निभाया। इतना ही नहीं, बुक राइटर हनीफ चावरी ने भी ये बात मानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के और भी कई सितारों और फिल्म डायरेक्टर्स ने संजीव कुमार से पैसे उधार लेने की बात स्वीकार की है। यानी संजीव कुमार हमेशा से दूसरे लोगों की मदद करते आए हैं। जहां बताए तो ये भी जाता है कि जब संजीव कुमार का देहांत हुआ तो उनकी मृत्यु की खबर सुनकर बोनी कपूर उनका पैसा लेकर लौटाने आए थे, जो बात संजीव कुमार के घर में किसी को नहीं बताती। और जमुना दास ने भी अपनी लिखी किताब में ये खुलासा किया है कि फिल्म डायरेक्टर्स और फिल्म कलाकारों तक ने संजीव कुमार से करीब 94 लाख तक की रकम उधार ली थी, जो कि साल 1985 के दौरान काफी बड़ी रकम थी। बता दें, इसका पता चलने पर जब संजीव कुमार के परिवार वाले लोगों के पास रकम वापस लेने गए तो किसी ने भी पैसे वापस नहीं किए और इसी वजह से परिवार वालों को मदद के लिए सुनील दत्त के पास जाना पड़ा, जिनके खौफ की वजह से अक्सर लोगों को उनकी रकम वापस मिल जाया करती थी। पर सुनील दत्त की मदद से भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज भी परिवार वालों के पास उन लोगों की सूची है जिन्होंने संजीव कुमार से पैसे उधार लिए थे। इसी के साथ आपको बता दें, अपने जमाने में संजीव कुमार ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के लिए काफी ज्यादा चर्चाओं में थे, क्योंकि ये उनसे बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे और इसीलिए उन्होंने हेमा मालिनी के घर शादी का प्रस्ताव भी भिजवाया था। पर हेमा मालिनी ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो धर्मेंद्र के प्यार में पागल थी। लेकिन जहां संजीव कुमार हेमा मालिनी को पसंद करते, वहीं सुलक्षणा पंडित इनके प्यार में दीवानी थी। पर संजीव कुमार के दिल में तो हेमा ही बसी हुई थी, जिसकी वजह से संजीव कुमार अपने दिल में हेमा मालिनी के सिवाय किसी और को बसा ना सके। अपने पहले दिल का दौरा पड़ने के बाद 6 नवंबर 1985 को 47 वर्ष की उम्र में उन्हें बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ा और इसी के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री ने एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता को खो दिया। बता दे, संजीव कुमार को पहले ही लगता था कि वो 50 से ज्यादा उम्र नहीं जी पाएंगे और ऐसा ही हुआ। उनके परिवार के बेहद ही कम लोग 50 से ज्यादा की उम्र जी पाए थे। इनसे पहले ही उनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी, उसके 6 महीने बाद इनके दूसरे भाई की भी मृत्यु हो गई थी और काफी उम्र में ही इनके पिता भी इन्हें छोड़कर चले गए थे। इस तरह से इनका असल जीवन काफी दर्दनाक रहा। पर फिल्मों में कई बुजुर्ग भूमिकाएं निभाने वाले संजीव कुमार मृत्यु के बाद भी 10 फिल्मों में दिखाई दिए, जो कि इनके मौत के बाद ही रिलीज की गई। और इस तरह से इनकी आखिरी फिल्म साल 1993 में आई प्रोफेसर की पड़ोसन थी। तो बॉलीवुड के कई सितारों को अपना कर्जदार बना चुके संजीव कुमार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।